हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों बाद मैं निकल पड़ा हूँ अपनी शॉर्ट ट्रिप पे, क्योंकि मैं रात को 9 बजे के बाद घर से निकला तो थोड़ा जल्दी ही भूख लग गई। तो इसके लिए हमने एक ब्रेक लिया और पहुँच गए ढाबे पे टिक्की चाट खाने के लिए। वहाँ हमने टिक्की चाट का आनंद लिया और फिर उसके बाद हमने डिनर किया और फिर हमने अपनी ट्रिप कंटिन्यू की और फाइनली 400 किलोमीटर का सफ़र हमने मस्ती करते हुए पूरा किया और सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए ओरछा। वहां पहुंचने के बाद हमें महसूस हुआ कि यहाँ गर्मी तो बहुत है, लेकिन जब हम नदी के किनारे पहुंचे तो हमने देखा वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग नहा रहे हैं, बच्चे नदी में इंजॉय कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। तो उन्हें देख कर थोड़ा सा अच्छा लगा और फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ भ्रमण करने के लिए। तो नदी किनारे किनारे होते हुए हम पहुँचे वहाँ पे, जहाँ पे आज भी पुराने ज़माने की इमारतें उसी तरह खड़ी हुई हैं और शायद कुछ उतनी खूबसूरत लग रही हैं जितनी वो कभी हुआ करती होंगी। तो वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को और वहाँ की प्रकृति को निहारते हुए हमने देखा कि वहाँ पे एक फिश पेडिक्योर की एक शॉप थी। तो वहाँ हम पहुँच गए और पूछने पर पता चला कि केवल 100 रुपये ही चार्ज करते हैं वो 10 मिनट का। तो हम लोग बड़ी एक्साइटमेंट से पहुँच गए फिश पेडिक्योर कराने के लिए। तो क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे 2-3 अटेम्प्ट लगे उसमें पैर डालने में, क्योंकि जैसे ही मैं पैर डाल रहा था तुरंत ही गुदगुदी होने लगती थी क्योंकि वो मछलियाँ तुरंत काटने लगती थी। तो काफ़ी हिम्मत के बाद मैंने फाइनली उसमें पूरे अपने पैर डिप किए और 10 मिनट तक पूरा इन्जॉय किया। गुदगुदी तो काफ़ी हो रही थी, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन एक बार कंप्लीट होने के बाद काफ़ी रिलैक्सेशन मिला। और शॉप से बाहर निकलते ही भाई लोग को दिख गया गोलगप्पे का ठेला और वो शुरू हो गए कि भाई गोलगप्पे खाते हैं और देखो कैसे खा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया, अच्छे थे। तो और फिर वहाँ से हम निकल लिए नदी की तरफ क्योंकि हमें करनी थी बोटिंग। वहाँ पहुँचने में पता चला कि उसके भी फीस 100 ही रुपये है एक ट्रिप की। तो हम लोग ने फटाफट रसीद कटाई और लाइफ जैकेट पहन ली अपनी अपनी, क्योंकि हम डूबे नहीं अगर बोट पलट जाए तो। और फिर वेट किया अपनी बारी का। तो फाइनली हमारी बारी आ गई और हम लोग बैठ गए बोट में और फिर नदी के सैर शुरू हो गए। बोटिंग में बहुत मज़ा आ रहा था और भाई ने सबसे गहरी जगह पे जाके बोट रोक दी जहाँ पे पानी काफ़ी उछाल मार रहा था। और फिर हमने देखा, अरे ये भाई इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी नहीं, बस घबराहट हो रही है। नहीं यार ये भाई ओरछा के मंदिर हैं और फिर वापसी में हमारे बोट वाले भाई साहब ने एक ऐसी जगह पे बोट रोकी जहाँ पे नीचे पानी था और ऊपर
पेड़ों की छांव थी, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, पूरी गर्मी के माहौल में जो वहाँ पे ठंडक आ रही थी वो बहुत ही अच्छी थी। और पेड़ों की छांव और उससे निकलती हुई जो सूरज की रोशनी थी वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वहाँ पे मन तो कर रहा था कि वहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहें, लेकिन टाइम कम था तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए और जल्दी जल्दी हमने अपने लाइफ जैकेट उतारे और निकलते वक्त वहाँ के दीवारों पे बनी चित्रकारी को हमने निहारा और वहाँ पे फ़ोटोशूट भी किया। और फिर हम लोग ओरछा से निकल लिए अपने घर के लिए। तो इस ट्रिप में इतना ही था और जल्दी मिलते हैं अगले ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय।